नमस्कार दोस्तों दोस्तों डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। रेलवे न्यू वैकेंसी 2023 पर चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, आपको एक बात बता दूं कि रेलवे में वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। देखिए, आपको बता दूं कि रेलवे की ओर से जवाब भी आया है, और आपको बता दूं कि यहाँ पर राज्यसभा में इस पर बहस भी हुई थी, और क्या बात हुई थी वो उस पर पूरी जानकारी देता हूँ। देखिए, शुरुआत करता हूँ, सारे पॉइंट लेकर आया हूँ। राज्यसभा में रेलवे की बात कब आएगी भर्ती, पूरी जानकारी। और देखिए, आपको बता दूँ कि 2.5 लाख पर होगी या 3.5 लाख पर वैकेंसी आएगी, पूरी सच का बता दूंगा आपको। स्टूडेंट के साथ धोखा कैसे हो रहा है उस पर पूरी चर्चा करूंगा। साथ में क्या भर्ती फरवरी में देखने को मिलेगी, क्या नई भर्ती, इस पर पूरी जानकारी करूंगा। और साथ में आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती खत्म हो गई, अब ग्रुप सी में भर्ती होगी, इस पर पूरी जानकारी देता हूँ। चलिए शुरुआत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे में राज्यसभा में जो बात हुई थी उसकी बात करता हूँ। तो देखिए, राज्यसभा में एक बात नहीं 10 से ज़्यादा बार बात हो चुकी है। पहली बात तो मैं ये बताता हूँ आपको कि बार बार बात ही हो रही है, लेकिन आपको बता दूं कि उसके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है कि वैकेंसी कब आएगी, कब क्या 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 पूरी प्रोसेस रहेगी, कितनी वैकेंसी आएगी। कभी 3.5 लाख वैकेंसी की बात होती है, तो कभी 2.5 लाख वैकेंसी की बात होती है। तो इनमें क्या मतलब भर्ती की प्रोसेस कैसे होगी, ये कोई जानकारी नहीं दी है। बस बात होती है कि इस पर जल्द ही जल्द हम भर्ती करेंगे। तो आपको बता दूं कि आप 1 साल से ज़्यादा हो गए। देखिए, 1 साल से ज़्यादा हो गए, किसकी बात कर रहा हूँ कि जो पिछले 2019 की बात करता हूँ, तो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसकी एग्जाम 2022 में कराई गई है, पूरी प्रोसेस कराई गई है। और उसके बाद भी अभी भी आपको बता दूं कि 2023 हो गया है, और 2023 में पूरी तरह से ज्वाइनिंग नहीं मिली स्टूडेंट को। जो स्टूडेंट वेटिंग में थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो 0.25 या पॉइंट से रह गए उन स्टूडेंट का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अभी बात करता हूँ कि रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी खाली भी है, रेलवे के द्वारा जवाब भी दिया गया है कि अभी बहुत सारी वैकेंसी खाली है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं। बस बात होती है कि रेलवे में भर्ती आएगी और कब आएगी, ये जानकारी दिया दे देते हैं, लेकिन समय बिल्कुल नहीं बताया जाता है कि कब वैकेंसी आएगी। ठीक है, और अगला सेकेंड पॉइंट लेता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रेलवे में 2.5 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगी या 3.5 लाख, तो इस पर बात करता हूँ। देखिए फ्रेंड, आपको एक बात बता दूँ कि रेलवे में 3.5 लाख का पहले नोटिफिकेशन तो नहीं बोल सकता, लेकिन आंकड़ा जारी किया गया था 3.5 लाख का। लेकिन अभी अभी की डेट में 7 अगस्त की बात करता हूँ, तो 7 अगस्त को 2.5 लाख के करीबन का 2,48,000 वैकेंसी का आंकड़ा उन्होंने बताया है। तो आपको बता दूं कि इस पर कोई संभावना नहीं है कितनी वैकेंसी हो, क्योंकि ये कभी 3.5 लाख का आंकड़ा जारी करते हैं तो कभी 2.5 लाख का। तो इस पर पूरी तरह से कोई चर्चा नहीं की जा रही कि इसमें एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी और किसमें कितने पद, क्योंकि देखिए इन्होंने पद के बारे में बताया है कि इतने सभी में लगभग बता दिया गया है। तो देखिए, आपको बता दूँ कि टीटी की बात करता हूँ, तो टीटी में बताया गया था 7800 प्लस पद बताया था। आरपीएफ की बात करता हूँ तो 12,000 पद बताया था। उसके बाद बात करता हूँ एलपी की, तो 60,000 एलपी के 45,000 बताया। लेकिन आपको बता दूँ कि इस पर भी कोई चर्चा नहीं है कि कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दूँ कि देखिए, जो भी वैकेंसी आएगी उसमें बढ़कर तो आना चाहिए चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए, मैं 2019 की बात करता हूँ, 2019 के बाद से आप खुद लगा लीजिए, 2019 से 23 कितने 5 साल, यहाँ पर 4 साल हो गए। 2019 से मतलब 4 साल हो गए, और 4 साल में नामो निशान भर्ती का नहीं देखने को मिला रेलवे में। तो इसका सबसे बड़ा आपको बता दूं कि स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा धोखा है, धोखा उन स्टूडेंट का सबसे साथ सबसे बड़ा है, जिन स्टूडेंट का पिछली बार रेलवे में सिलेक्शन नहीं हुआ है, पिछली बार जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है और जो 0.5 से 0.2 से रह गए, वो चाहते हैं कि हमारा रेलवे में सिलेक्शन हो जाए। तो आपको बता दूं कि देखिए, भर्ती बिल्कुल नहीं आ रही है और तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड, आपको बता दूं, जो स्टूडेंट नए स्टूडेंट की तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि नए स्टूडेंट रहते हैं तो वो स्टूडेंट तैयारी करते रहते हैं, तो उनका तैयारी चलती रहती है क्योंकि वो फॉर्म का इंतजार करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट की तैयारी हो गई है और पिछली बार सिलेक्शन कुछ कारण से नहीं हुआ है और अगली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आपको बता दूं कि दोबारा से पढ़ना में कितनी डिफिकल्ट होती है, बार बार पढ़ना, बार बार। आपको बता दूँ कि नए स्टूडेंट की तो बात करता हूँ, तो चलो नए स्टूडेंट तो पढ़ सकते हैं, आपको एक बात बता दूं, लेकिन दोबारा से जो वैकेंसी की तैयारी करना और उसी वैकेंसी की तैयारी करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो एक तरह से मैं बोलना चाहूँगा कि ये स्टूडेंट संघ के साथ धोखा है एक तरह से, क्योंकि इसमें भर्ती नहीं देखने को मिल रही है और स्टूडेंट बार बार तैयारी कर रहे हैं। आगे बात करता हूँ, तो देखिए मैंने आपको जानकारी दे दी कि स्टूडेंट के साथ धोखा किस तरह से हो रहा है। अब मैं आपको बता दूँ कि क्या वैकेंसी फरवरी में देखने को मिलेगी, तो इस पर तरह से बात करता हूँ। देखिए, बहुत सारे वीडियो भी बन रहे हैं कि क्या फरवरी
वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपको बता दूं कि देखिए इसमें कोई संभावना नहीं कि वैकेंसी फरवरी में देखने को मिलेगी, इस तरह से कोई नोटिफिकेशन या कोई जानकारी नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, लेकिन आपको यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको भर भर के वीडियो मिलेंगे कि 3 महीने में वैकेंसी आ रही है, 2 महीने में वैकेंसी आ रही है, 4 महीने में वैकेंसी आ रही है, 1 महीने में आ रही है। तो देखिए आपको बता दूँ कि कोई अभी अपडेट नहीं है इस तरह से कि वैकेंसी आपको फरवरी में देखने को मिलेगी। हाँ, बस बहस चल रही है इस पर कि वैकेंसी कितनी देखने को मिलेगी, कब देखने को मिलेगी, क्या जानकारी है, पूरी तरह से इस पर कोई चर्चा देखने को नहीं मिल रही है। अब मैं बात करता हूँ कि जो रेलवे ग्रुप डी ख़त्म, तो आपको बता दूँ देखिए आप पीछे रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन में जारी किया गया था कि आप ग्रुप डी की एग्जाम हम नहीं लेंगे, आप सीधे भर्ती होगी ग्रुप सी पर। देखिए ग्रुप सी की, ग्रुप सी में भी आपको बता दूँ कि ग्रुप सी की जो पोस्टर रहेगी इसमें ग्रुप डी वाले स्टूडेंट की पोस्टर रहेगी, साथ में इसमें TTV वाले स्टूडेंट भी रहेंगे, TT हुआ, LP हुआ, ये सभी के टोटल करके एक ही, देखिए यहाँ पर ग्रुप डी और ये इसमें ए और बी दोनों शामिल हो जाएंगे ग्रुप सी में, ए और बी वाले भी शामिल हो जाएंगे। और साथ में आपको बता दूं कि इसमें जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, अभी बताया गया है कि 2.5 लाख के लगभग वैकेंसी रहेगी ग्रुप सी में, तो 2.5 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपको बता दूं कि ये सिर्फ ग्रुप सी में देखने को मिलेगी, तो हो सकता है कि ग्रुप डी में जो ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी इसमें आपको 1.5 लाख के लगभग पद देखने को मिल सके, 1.5 लाख प्लस। क्योंकि देखिए फ्रेंड आपको बता दूँ कि ग्रुप सी में सिर्फ ए और बी है, तो ए और बी की पोस्टें तो बहुत कम है, इनको होने बहुत कम है, लेकिन आपको जो बाकी पोस्टें बचेगी ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में आपको 1.5 लाख भी देखने को वैकेंसी मिल सकती है। मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बार बार आपको देखिए पूरा डाटा रेलवे ने बताया जरूरी कि ग्रुप सी में ए और बी की वैकेंसी है, तो और कितनी कितनी पोस्ट बताई है वो भी जानकारी है। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें उनकी टोटल मिला के वैकेंसी की बात करता हूं, तो मैं मान के चलता हूं कि यहां पर 1 लाख वैकेंसी भी अगर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर कितनी बचेगी, 1 लाख वैकेंसी हटा दें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बचेगी 1.5 लाख। तो 1.5 लाख वैकेंसी की आपकी बात करता हूँ तो 1.5 लाख वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है ग्रुप डी में। तो देखिए जिन स्टूडेंट की तैयारी चल रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप तैयारी कंटिन्यू रखें, तैयारी बिल्कुल भी बंद ना करें, क्योंकि देखिए भर्ती का कोई विश्वास तो नहीं है, लेकिन हाँ तैयारी करते रहिएगा। और क्योंकि तैयारी अगर आप बंद कर देते हैं तो आपकी तैयारी टूट जाती है, और फिर दोबारा से तैयारी करोगे तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो सकते हैं, इसलिए तैयारी कंटिन्यू रखें। अगर मेरी बात पूरी सच लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।